हाय गाइस, दिस इज सोनल कौशल द मोटर माउथ। गाइस, मैं जानती हूँ कि इस चैनल पर मेरा एक वीडियो था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, उसे बहुत लाइक किया था, इतने सारे कमेंट्स थे उस वीडियो पे। बट न्यू रूल्स के मुताबिक, यूट्यूब के नए रूल्स के मुताबिक, उस वीडियो को डिलीट करना पड़ गया था। बट नाउ दैट सेम वीडियो इज अप अगेन ऑन दिस चैनल, एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है? हाँ, रेडी, सॉरी। They live. He lives यार. Sorry यार. आपकी फोन का पिन मांग रहा है। कौन पापा? Sorry. और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। एक और करती हूँ, सॉरी, टॉप से करती हूँ, दोबारा करती हूँ। क्या हुआ? सॉरी यार, अगर इसको मैं चार्जिंग से निकाल दूंगी तो बंद हो जाएगा क्या? कोई नहीं, वो तो हम पढ़ लेंगे। सॉरी, तुमने वो चश्मा देखा जो लूशियस? सॉरी, अरे यार, कहाँ गया? देख, अब क्या बाकी है? जुदा होगी। अरे सॉरी। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अगर डोरेमोन सीरीज आपने कभी देखा है या देखते हो और आपको वो पसंद भी है, तो उसकी ये आवाज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। इतना ही नहीं, 2014 से यानी पिछले 5 साल से सोनल जी छोटा भीम की भी ऑफिशियल वॉइस बनी हुई है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जुहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। 90s में एक कार्टून शो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जिसका नाम था पावर पफ गर्ल्स, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि मेकर्स ने इसका रीबूट वर्जन बनाया जो 2016 से अब तक कार्टून नेटवर्क पर चल रहा है। इस बार तुमको छलक करने के बारे में सोचो ब्लॉसम, क्या पता तुम्हें मजा आने लगे। तुम आर्ट क्लब ज्वाइन करके आर्टिस्ट बन सकती हो। डिस्कवरी किड्स चैनल पर एक एनिमेटेड शो आता है बिल्लू भाई, जिसमें चिट्टी नाम के खरगोश को भी सोनल जी ही डब करती है। बार्फी, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हमें गुल्लू की पहरेदारी के लिए रखा गया है। तुम्हें अप्पा के बताए हुए रूल्स याद तो है ना? तुम्हें किसी भी कीमत पर गुल्लू को पिंजरे से बाहर नहीं निकलने देना होगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा केयर नहीं। आपने बंदबुद और बुड़बक, इन दो नटखट स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में सुना ही होगा। ये सीरीज अभी फिलहाल डिस्कवरी किड्स पर आती है और इसमें दोनों कैरेक्टर को लड़कियों ने ही डब किया है। अरे यार, मैं पत्ते नहीं खाऊंगा। एक बार बहुत भूख लग रही थी तब खाए थे, और अगले दिन सुबह बाथरूम में गोबर निकला काला काला। बॉलीवुड फिल्म मेकर रोहित शेट्टी जी ने अपनी फिल्म सीरीज सिंघम के बेस पर छोटे बच्चों के लिए एक कार्टून सीरीज बनाई है जिसका नाम है लिटिल सिंघम, और उसमें सोनल जी ने बबली इस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है। So funny! ये इतने सारे जाले कहाँ से लगवा के आए हो? इन जालों को साफ करने के लिए चाहिए ये सुपरसोनिक टेक्टोनिक 500 मेगाटन का टर्बो पावर वाला वैक्यूम क्लीनर। टॉय स्टोरी फिल्म सीरीज का रिसेंटली 4th पार्ट रिलीज हुआ, जिसमें हालातों से मजबूर एक छोटी सी डॉल गैबी गैबी को बड़े ही अनोखे अंदाज में इन्होंने डब किया है। हम भी, हो सकता है आपकी जवानी और हमारी खूबसूरती एक ही सांचे से बनी हो। क्या बात है, आप अब तक फिट हैं? और हमारे दिल ही नहीं, हमारे वॉइस बॉक्स भी मिलते हैं, बस ये दिखाओ इन्हें। इनक्रेडिबल्स का जब 2nd पार्ट आया तो लोगों को ये पता था कि उसमें काजोल ने डब किया है, पर काजोल ने डब किए हुए कैरेक्टर की बेटी को हमारे सोनल जी ने ही डब किया था। हम एडना आंटी के पास नहीं जा सकते। तुमने वो चश्मा देखा जो उन्होंने लूशियस अंकल को पहनाया? एडना आंटी को भी पहनाया होगा, तो वो सब लोग किसी के कंट्रोल में हैं। शायद मॉम भी उनके कंट्रोल में हो सकती हैं। कार्टून शो बिली एंड मैंडी, या कहे हड्डी मेरा बड्डी में सोनल जी ने मेन कैरेक्टर को डब किया है। क्या अरेस्ट? बढ़िया ही, हमें अरेस्ट करने वाली। मेरी डुप्लीकेट कहीं की? प्रीति ने आज तक ना किसी की बात सुनी है और ना ही सुनेगी, और तेरे जैसे टिन के डिब्बे की तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास इस एडवेंचरस फिल्म में मेन कैरेक्टर यानी एलिस को इनकी ही आवाज थी। हमें कुछ करना चाहिए, उसकी हालत खराब है, मुझे डर है कि वो मर ना जाए। उसने कहा उसे ठीक करना है तो उसकी फैमिली को।
वापस लाना होगा। इनको आपने बहुत सी एड्स वगैरह में भी सुना होगा, लाइक पिज्जा हट के इस नीले से कैरेक्टर को सोनल जी की ही वॉइस थी। रियली? 50% ऑफ? यप। हर रोज। और रिसेंटली आई इस एड में इस बच्चे को भी सोनल जी ने ही डब किया था। क्या सिर्फ मेरी माँ ऐसी है? और इसमें भी कौन पापा? हाँ? जिन्होंने पैदा होते ही कर दिया पराया, मांगी टॉफी तो थप्पड़ जमाया, आपने जैसा उठाया वैसा किसी ने नहीं उठाया। और दोस्तों सिर्फ कार्टून एनिमेशन या फिल्म्स में ही नहीं, बच्चों की राइम्स जो यूट्यूब पर सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा व्यूज उनके ही होते हैं, उसके लिए भी सोनल जी को अप्रोच किया जाता है, अब चाहे वो इंग्लिश में हो। द फैमिली ऑफ द सन, ही लिव्स इन द मिल्की वे विद 8 लिटिल वंस। डू यू नो देयर नेम्स? लेट्स स्टार्ट विद द सन। या हिंदी में, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मजा चखाया। आगे की बात खुद सोनल जी के साथ। गाइस अगर इसी तरह आप लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं और भी बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट की, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और आप किसको देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाय।